हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर आज हम खड़े हैं। यहां पर अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ताऊ देवीलाल की प्रतिमा जो है उसको कवरअप किया गया है, उसका अनावरण होने वाला है। बाकी यहां पर जो है जेजेपी से संबंधित जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर हमारे साथ अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 2019 के चुनाव के अंदर जो एक विधानसभा का एक बड़ा अपने आप में एक चुनाव था महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, उस शहर के अंदर, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर राव रमेश पालड़ी जी ने शिरकत की, जेजेपी की तरफ से टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा। वो हमारे साथ हैं, जेजेपी के एक स्तंभ कार्यकर्ता हैं। इनसे मुलाकात करते हैं, आपकी बातचीत करवाते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू जी, नमस्कार। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस प्रकार का कार्यक्रम है, कब शुरू होगा? आज 12:15 बजे का टाइमिंग है जी। हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ताऊ देवीलाल की मूर्ति का अनावरण करेंगे, और उसके बाद में फिर एक दो प्रोग्राम और हैं। एक श्रवणकार संघ की भी धर्मशाला है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। महेंद्रगढ़ के अंदर दुष्यंत चौटाला जी और हमारे जननायक जनता पार्टी, काफ़ी अरसे से हम लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे ये जो एरिया है, आप देखते थे पहले आकर के कितनी गंदगी यहाँ पे थी जी, बिल्कुल, कि यहाँ पे ताऊ देवीलाल के नाम का पार्क, जो कि बहुत पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम ताऊ देवीलाल के नाम से उन्होंने इस पार्क की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद में कुछ हुआ नहीं था। तो हमने दुष्यंत चौटाला जी के सामने जब ये बात रखी तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, और ताऊ देवीलाल के इस पार्क का आज वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, ताऊ की मूर्ति का अनावरण करेंगे जी। अच्छा, अब विपक्ष में जैसे सवाल उठ रहे हैं कि कुछ साथी कह रहे हैं कि अभी 2.5 साल 3 साल जो भी समय हुआ है उसमें फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो भी सिर्फ मूर्ति का अनावरण करने। ऐसे है कि आपने देखा कि पिछला जो 2 साल का जो पीरियड निकला, उसके अंदर कोरोना की वजह से सब कुछ, पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया थमी हुई थी जी। उसके बाद में थोड़ा सा किसान आंदोलन का जैसे चला हुआ था, और अब सब कुछ ठीक हुआ, उसके बाद में अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, आज इसका अनावरण भी करेंगे, और उसके बाद में जो भी हमारे महेंद्रगढ़ की जो जो डिमांडें हैं हम उनको रखेंगे, और हमें ये पूरा भरोसा है कि उन डिमांडों को भी वो पूरा करके जाएंगे। एक विशेष बात, जैसे एक जो सड़क है, मेन सड़क, काफ़ी चर्चित मुद्दा है, पिछले 2-3 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए उनमें भी ये चर्चित रहा, बावजूद उसके अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया। ऐसा है कि जो सड़क का है, ये मैंने खुद दुष्यंत जी से बात की थी जिस दिन हम ये ताऊ देवीलाल पार्क के लिए बात करके आए, उस दिन तो मैंने खुद चाहता है कि हमारी सड़क का क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि इसके टेंडर भी हो गए, हमने वर्क ऑर्डर इशू कर दिए। आम जनता में से कुछ इस तरह की आवाज़ भी आती है कि जब सब डिपो का निर्माण हो चुका है तो उद्घाटन उसका भी हो सकता है, सिर्फ मूर्ति अनावरण के अलावा, जैसे वो काम भी तैयार है। अगर सब डिपो वाली को ये बातें हैं तो ये तो दोबारा कभी प्रोग्राम हम ले लेंगे जी, क्योंकि ये हमारे नॉलेज में पहले ये तो जब लोगों ने डाला, जब ये प्रोग्राम तय हो चुके थे, तो ये प्रोग्राम अब की बार तो जो थे वो सारे तय हो चुके जी, तो अगली बार अगर कोई इस तरीके के जो चीज़ें हैं तो उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम ले सकते हैं जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सौगात देकर आते हैं, यहाँ महेंद्रगढ़ उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? महेंद्रगढ़ के लिए तो ये जो जगह है जी, ये गंदगी का ढेर था, और ये हमारे शहर का दिल है जी, और इस जगह के ऊपर एक भव्य पार्क का निर्माण होगा, और उसके लिए हम दुष्यंत चौटाला जी से हम प्रार्थना करेंगे कि इसके डेवलपमेंट के लिए वो घोषणा करके जाएं, और इसकी डेवलपमेंट कोई छोटे मोटे अमाउंट से नहीं हो सकती, काफ़ी इसके अंदर पैसा लगेगा, और ये जब पार्क एक अच्छा बनेगा यहाँ पे, और साथ में हमारा किला भी है, तो ये बहुत बढ़िया एक स्थल बनेगा, और इसके अंदर पूरे शहर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, माताएं, बहनें सब जब यहाँ पे घूमेंगे जी, तो ये एक बहुत ऐसी जगह होगी, स्वस्थ भी अच्छा होगा, सुंदर भी होगा, हमारे महेंद्रगढ़ का जो है ना किला की भी सुंदरता इससे निखरेगी, और एक बहुत भव्य स्थल ये बनने जा रहा है जी। ऐसा होता है आमतौर पर कि जैसे पहले कोई भी भवन निर्माण या मंदिर निर्माण होता है, उसके बाद भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उल्टा नज़र आ रहा है कि पहले प्रतिमा अनावरण हो रहा है, बाद में पार्क मिलेगा। ऐसे है कि ये जो जगह थी, मैं वही कह रहा ना, बहुत पुराने टाइम से जी इसका ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से ये किया हुआ था जी, और जब काफ़ी टाइम से ये किया हुआ था
हमने भी काफ़ी, आप देख रहे थे कि हमारे जननायक जनता पार्टी के सभी साथी काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे अब भाई ये पार्क का जब अनाउंसमेंट हुआ है तो इस पार्क को बनाया जाए। तो अब ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण हो गया तो पार्क भी अब बनेगा और बढ़िया पार्क बनेगा। भगवान को किस जगह पे किस टाइम पे स्थापित करना है, कब उनको होना है, ना आप मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बिल्कुल, चलिए तो अभी हम राव रमेश जी के साथ थे, बाकी हमारे साथ जिम्मी चौधरी जी भी हैं। सर आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले शमशेर जी आपका और आपके चैनल का हम देवलाल पार्क में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप एक बड़े पद पर कार्यरत हैं यहाँ JJP में, लेकिन साथ में एडवोकेट भी हैं, तो हम थोड़ा लीगली बात करेंगे। ये जैसे अभी हम जब आपके पास से मिलकर वापस गए तो उसके बाद हमारे पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ के जो विपक्ष के नेता कह सकते हैं, सामाजिक संगठन के लोग कह सकते हैं, वो लोग ये कह रहे थे कि ये जो जगह है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है, ऐसा कुछ घोषित नहीं है कि ये जगह जो है देवीलाल पार्क के नाम से ही कहीं कागज पर रजिस्टर है। साथियों लीगली जब भी हम देखते हैं कोई दस्तावेज पेश करने होते हैं, जो भी विपक्ष कह रहा है उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्होंने कोई दस्तावेज मीडिया में नहीं दिया। जबकि 2003 में नगर पालिका में पास हो चुका है महेंद्रगढ़ में देवीलाल पार्क, आज जब वो बन रहा है वो सिर्फ अपने विपक्ष वाला रोल अदा कर रहे हैं और वो भी एक जो सही मायने में करना चाहिए वो नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह आए थे कहीं ना, यही व्यक्ति जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ये इंद्रजीत के जो अनुयायी थे वहाँ जाके इन्होंने विरोध नहीं किया, और डिप्टी साहब जब महेंद्रगढ़ आ रहे वो उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी व्यक्ति विशेष या नेता से वो भी प्रेरित है। बिल्कुल, ये व्यक्ति विशेष से कोई रंजिश निकालने या मतलब अपना चिढ़ दिखाना महसूस हो रहा है उनकी बातों से। जी आप शुरुआत से इस प्रोग्राम में शामिल हैं तो आयोजनकर्ताओं की टीम में आप विशेष अपना अहम योगदान दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो कौन कौन आज शिरकत करने वाले, कौन बड़े दिग्गज यहाँ पर आने वाले? महेंद्रगढ़ से जो भी विधायक हैं, डिप्टी CM है और जिन्होंने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा है, चाहे वो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हों या हमारे रमेश पाल्डी जी हों जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी शिरकत कर रहे हैं। और उसके अलावा जो चारों विधायक है, नांगल चौधरी से अभय सिंह, अटेली से सीताराम जी और नारनौल से ADO साहब और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, सभी को हमारी पार्टी ने खुद पर्सनली जाके उनको इनवाइट किया और सभी हमें उम्मीद है कि वो मौके पर यहाँ आएंगे। अच्छा, क्या मानते हैं किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम काफ़ी सफल होगा। महेंद्रगढ़ के हम तो ये कहते हैं बुजुर्गों की 10 साल उम्र बढ़ जाएगी इस एक प्रोग्राम से। यहाँ पे एक अच्छा पार्क बन रहा है जिससे वातावरण भी शुद्ध होगा, यहाँ पर जो गंदगी थी वो गंदगी मिट रही है, इससे हर आदमी को फायदा मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिमी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक अच्छा जो है ना प्रतिमा अनावरण करने के लिए जो यहाँ सजाया गया है, और अभी तो जो है कवरअप है ताऊ देवीलाल जी, बाकी एक अच्छा मैट वगैरह सिस्टम लगा के, टेंट का सिस्टम लगा के आप यहाँ देखेंगे कि अच्छे स्टेज का जो है भव्य स्टेज यहाँ पर सजाया गया है, और स्टेज पर काफ़ी जो सीट्स भी यहाँ पर डाली गई हैं क्योंकि बड़े दिग्गज यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं, और बड़े दिग्गज जब शिरकत करेंगे तो संख्या ज़्यादा रहेगी, तो उस केस में यहाँ पर काफ़ी जो सीट्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं स्टेज के, और जो आप बात करेंगे मेन जो आम पब्लिक की, तो उनके बीच में थोड़ा सा दूरी का भी ध्यान रखा गया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी संख्या में मौजूद है, पूरा जिला प्रशासन पुलिस सभी पिछले काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को लेकर कंटिन्यू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा कर रहे हैं। संजीव जी, हाँ जी संजीव जी आएंगे एक बार, संजीव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी 2 मिनट बात करेंगे। जी संजीव जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। 2 दिन पहले मिले थे, उस समय तैयारियां मतलब बेसिक स्तर की थी, लेकिन आज एकदम से इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए महेंद्रगढ़ शहर के लिए एक बहुत ही भव्य आयोजन है जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, और चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, पूरा जननायक जनता पार्टी के अलावा एक शहर का हर आदमी जी इस प्रोग्राम के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत खुश है, और पहली बार ये लग रहा है कि हाँ कोई काम महेंद्रगढ़ शहर में हो रहा है। जी सही बात है, तो कुछ सौगातें मिलने वाली हैं फिर आज? बिल्कुल ऑफ कोर्स मिलेंगी, कोई शक नहीं। मैंने 2 दिन पहले जो आपसे बात कही थी मैं उस पर आज भी कायम हूँ, सारे काम होंगे, महेंद्रगढ़ शहर का लाजवाब विकास होगा, और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सौगातें भी मिलेंगी, सारे काम होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बड़ी सौगातें मिलने की बात कही है और सारी सौगातें मिलने की बात कही है, खास तौर पर बात यह कि उप मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ पर आगमन है, वो आज यहाँ पर आएंगे और महेंद्रगढ़
जो पिछले काफ़ी समय से एक लंबे अरसे से अपने क्षेत्र में विकास का जो इंतजार कर रहा है, वो आज बाट जो रहा है कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ी और कुछ ज़्यादा संख्या में सौगातें देकर जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जब भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर कई सौगातें देकर जाते हैं, तो आज देखते हैं कि आज महेंद्रगढ़ शहर के अंदर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सौगात जो है उप मुख्यमंत्री जी देकर जाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय हिंद, जय भारत।